दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चलो प्रैक्टिकल साइड विजिट में। दोस्तों, हम जब भी अपना मकान बनाते हैं तो हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं और एक ही बार बनाते हैं, हम बार बार कभी मकान को नहीं बनाते। तो आज की वीडियो में मैं दोस्तों कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि मिस्त्री गलती करता ही है। अगर हम उन्हें देखते नहीं है, समझाते नहीं है, तो वो मिस्त्री पक्का गलती करता ही करता है। और इस पॉइंट में, आज की वीडियो में, मैं इस पॉइंट से आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि अगर आप खड़े रह के काम नहीं कराओगे तो मिस्त्री गलती करेगा ही करेगा। चाहे आप भले कितनी कोशिश कर लो, आप उसे समझा लो या कितना ही कर लो, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपका मकान भी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर है दोस्तों कि हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये स्टेयरकेस की लैंडिंग इस मिस्त्री ने भरी है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि ना वाइब्रेटर की कोशिश की गई, ना कंक्रीट सही यूज़ किया गया। और आप देख सकते हैं बिल्कुल जो पुट्ठे वगैरह हैं वो किसी भी तरह की कोई फिनिशिंग का काम इसमें नहीं है दोस्तों। अगर इस तरह का कोई काम आपके मकान के अंदर करता है तो उस मिस्त्री को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत आप उसे अपने मकान के बाहर निकाल दीजिए, उससे आगे काम मत करवाइए, क्योंकि वो मिस्त्री आपके पूरे मकान को ख़राब कर देगा। क्योंकि इस तरह के मिस्त्री ना तो जिम्मेदारी ले सकते हैं किसी चीज़ की, ना किसी और काम को करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहली गलती आपको मैंने बता दी, अगर ये इस तरह की गलती स्टेयरकेस में होती है तो वो बहुत आपके मकान के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कर सकता है, तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरी चीज़ पर। ये दूसरी चीज़ आप ये देखिए, ये दीवार यहाँ पर खड़ी है दोस्तों। अच्छी बात है, इन्होंने आउटर से आउटर पर यह दीवार ले चुकी है। मैं नीचे से चल के समझा देता हूँ दोस्तों, ये दीवार यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने बनाई है। बट सबसे बड़ी इन्होंने प्रॉब्लम क्या करी है कि जो दीवार इन्होंने इस जगह से ली है, नीचे वाली जो दीवार है वो नीचे वाली दीवार इन्होंने 4 इंची अंदर ले ली। अब 4 इंची अंदर लेने का रीज़न कुछ नहीं है कि हमें पता ही है कि जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमेशा आउटर पोर्शन जो होता है वो हमेशा क्लियरेंस रहना चाहिए। अगर इस दीवार पर जब भी प्लास्टर होगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा सावल के अंदर होगा, और उसमें किसी भी तरह की कोई पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये किस तरीके से होगा। ये मिस्त्री में ऑलरेडी दिमाग होना चाहिए कि आउटर पोर्शन जो होता है वो हमेशा सावल में होना चाहिए। दिक्कत ये होती है दोस्तों कि जब भी अगर कोई भी एजेंट आदमी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा इधर से चढ़ता है, अगर मान के चलिए इधर से अगर ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ये जो कॉर्नर निकला हुआ है ये उसके कंधे पर लग सकता है। पहली प्रॉब्लम तो ये। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी सामान वगैरह या कुछ भी लेके जाओगे, पहली बात तो ये आउटर के अंदर इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए दोस्तों, इस तरह की चीज़ होनी नहीं चाहिए, आउटर हमेशा क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने दूसरी मिस्टेक करी। तीसरी मिस्टेक इन्होंने ये करी है दोस्तों कि ये स्टेप जो चढ़ाएं, अब आप मार्जिन देख सकते हो, ये एक ईंट लगाई और एक ईंट लगाई, तो 3 इंची और 3 इंची, 6 इंची और 1 इंची का मसाला, 7 इंची का ये मार्जिन लेके चल रहे हैं पूरे स्टेप के अंदर, लेकिन ऊपर देख सकते हैं आप कम से कम सवा फुट का मार्जिन मिल रहा है। तो ये आप ये खुद देख सकते हो कि इस मकान के अंदर किस तरीके से काम की क्वालिटी को देखा गया है। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस तरह के मिस्त्री को काम कराने का मतलब ये है कि आपके पूरे मकान की पूरी दशा को ख़राब करना, और वो आप कभी नहीं चाहोगे कि इस तरह के मकान में आपकी दशा को ख़राब हो। ठीक है दोस्तों, चौथी चीज़ इसने ये करी है कि जो भी आपके लाइट्स के पॉइंट्स आप देख सकते हो, जो भी लाइट के पॉइंट होते हैं इसमें कोई फिनिशिंग का कोई काम नहीं है। जो डाउन्स वगैरह उतरते हैं वो डाउन्स भी क्लियर तरीके से पूरे इंच नहीं उतार रखे, और जो भी पॉइंट्स जो इन्होंने दिए ना तो उसका MS बॉक्स है, ना कोई लेवल मेंटेन है। तो इस तरह की जो कोशिश होती है दोस्तों, ये आपके मकान की पूरी दशा को ख़राब कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और जो भी पॉइंट्स आपको देने हैं आप छत में पॉइंट डाउन उतार दीजिए उसका, और उस डाउन को आप फिर क्लियर करा लीजिए। ये तरीका यही होता है कि जो भी छत आती है उस छत में आप डाउन निकाल लीजिए, डाउन से फिर उस चीज़ को वो चीज़ कंटिन्यू हो जाती है वॉल के अंदर, फिर हमें फर्श के अंदर किसी भी तरह का कोई कंड्यूट देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो आपकी छत होती है छत से आप करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, पाँचवीं चीज़ ये है कि इसमें प्लास्टर में कोई फिनिशिंग नहीं है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का जो ये प्लास्टर है, प्लास्टर में किसी भी तरह की कोई फिनिशिंग नहीं है ना, कोई इसमें अगर फैन बॉक्स है तो फैन बॉक्स नहीं निकाला, जो DB है वो DB नहीं निकाली। तो ये जो क्वालिटी को जो मेंटेन करने वाली जो बात है ना, वो दोस्तों इस पूरे काम के अंदर मुझे कहीं भी नहीं दिखी, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप भी अगर अपना काम करवाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बैंड आप देख सकते हैं, बैंड किस तरीके से इन्होंने भरा है दोस्तों, ये देखो, ये बैंड देखिए, इस तरीके से अगर कोई बैंड भरा जाएगा तो दीवार का लोड जो होगा, दीवार का लोड इसलिए
बैंड के ऊपर जाता है और फिर बैंड से नीचे ट्रांसफर होता है। अगर बैंड ही मजबूत नहीं रहेगा तो दीवार किस चीज़ पर लोड देगी? अगर बैंड इस तरीके से स्थित हो जाती है तो दीवार में भी फिर क्रैक आने की संभावना हो सकती है दोस्तों। तो आप जो भी मसाला है या मसाले में किस तरह की से इन्होंने कोताही बिल्कुल भी नहीं बरती है, अगर इस तरह का मसाला आता है दीवारों के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक स्थिति पैदा कर सकता है दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ये काम दिखाने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके मकान की पूरी दशा को ख़राब करना और दशा के बाद में आपकी पूरी स्थिति को भी ख़राब करना। अपने मकानों में यही कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ध्यान ही नहीं देंगे तो कोई और ध्यान नहीं देगा, ठेकेदार भी ध्यान नहीं देगा, तो आपको ही ध्यान देना है। आपके पूरे मकान की स्थिति जो है वो पूरी ख़राब हो सकती है। आपकी कई स्टेज आती है, लेंटर लेवल की भी स्थिति आती है, कंक्रीट की भी आती है, भराई की भी आती है, स्ट्रक्चर की भी आती है, स्टेप की भी आती है, राइजर की भी आती है, गेट के जो मार्जिन वगैरह रहते हैं, गेटों के मार्जिन रहते हैं, खिड़कियों के मार्जिन रहते हैं, दीवारों के मार्जिन रहते हैं, जो बैंड्स के मार्जिन रहते हैं, इन सभी के फर्श तक के मार्जिन रहते हैं, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के मार्जिन रहते हैं, प्लम्बर के मार्जिन रहते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रख के आदमी अपना मकान बनाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप भी जब भी अपना मकान बनाएं तो ध्यान जरूर दीजिए दोस्तों, ध्यान नहीं देंगे तो कोई और ध्यान नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में आपको हेल्प मिले तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।